श्रद्धा मूर्ति माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों, मास्टर साहब का कार्यक्रम सफल है। जिन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया बड़े ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अब आप लोग उनके आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ तक पहुँचे। संतों के विचार से लाभ ले रहे थे। मेरे लिए निर्देश हुआ है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण है, जीवन की सच्चाई, अत्यंतिक सुख, वह सुख जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाए, उसके लिए आदमी को मेहनत करना चाहिए और यही आदमी का धर्म है। धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय है। गंगा स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, लंबे चोटी रख लेना, तिलक लगा लेना, हवन करना, तर्पण करना, यज्ञ उपासना करना, ये कर्म कांड है। इसे धर्म नहीं कहा जाता। धर्म है आदमी का स्वभाव। दया धर्म का मूल है, प्रेम धर्म है, क्षमा धर्म है, सहिष्णुता धर्म है, आदर और सम्मान धर्म है। आज पूरे भारत में एक होड़ मचा है, सनातन धर्म खतरे में है। पहली बात, लोगों को सनातन धर्म क्या है ये ही पता नहीं है। आज का सनातन धर्म ये हो गया है, घर में कोई झंडा लगा ले, श्री राम के फोटो रख ले, महावीर के फोटो रख ले, पूजा पाठ कर दे, मंदिर बना ले, यही सनातन धर्म है। क्या इसी को सनातन धर्म कहेंगे? सनातन का अर्थ ही पूरे सप्तकोश में खोल करके देखेंगे या कहीं भी खोल करके देखेंगे तो सनातन का मतलब होता है शाश्वत। जो शाश्वत, जिसका महत्व कभी कम नहीं होने वाला है, जो हर समय, हर पल, हर क्षण, हर वक्त बना रहे, जिसका महत्व कभी नहीं घटने वाला है, जिसको सब कोई माने, वह सनातन धर्म है। जिसे कोई माने और जिसे कोई ना माने, वह सनातन हो ही नहीं सकता है। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आरंभ है ना जिसका अंत है, वो सनातन है। और आज बड़ी होड़ मची है, सनातन धर्म खतरे में है। सनातन लोग यहां तक भी कहते हैं कि बौद्धिस्ट लोग, कबीरपंथी लोग सनातन धर्म के विरुद्ध होते हैं। भला सद्गुरु कबीर साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं? सनातन का अर्थ ये होता है जो प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, धीरज, समता, एकता, भाईचारे का विचार रखे, इस पर जोर दे, इसको बढ़ावा करे, वह सनातनी है। और सद्गुरु कबीर साहब पक्का सनातनी थे, जो दया, क्षमा, संतोष पर, एकता पर, भाईचारे पर, जीव हत्या पर, प्राणियों पर दया करते थे, वो सद्गुरु कबीर महान पुरुष हुए। और जिसे लोगों ने कहा कि सद्गुरु कबीर, कबीर साहेब, कबीरपंथी लोग सनातनी नहीं है। सनातन का अर्थ पहले समझना चाहिए। सनातन का मतलब ही है शाश्वत। आपकी आत्मा सनातन है। आपकी आत्मा न कभी अंत होने वाला नहीं है और यही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा शुद्ध रूप हो जाता है, जब सही कर्मों में लग जाता है, पाप कर्म से हट जाता है, ऊपर उड़ जाता है, तो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दौरान अच्छी डिग्रियां होती है और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता चला जाता है तो टीचर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है।
शिक्षक बन जाता है। जैसे घर में कोई बहू आती है और कुछ वर्षों में एक माँ बन जाती है, वैसे ही उसका दूसरा रूप है, कहना चाहिए एक शुद्ध रूप है। ये एक उदाहरण बताया मैंने, आत्मा ही परमात्मा है। जब हमारे भारत देश में पेट्रोलियम आता है, उसको फिल्टर रिफाइंड कर दिया जाता है, तराश दिया जाता है, तो वह पेट्रोलियम पेट्रोल के रूप में मिल जाता है और डीजल के रूप में मिलता है। इसलिए सनातन, आवाज थोड़ा कम मत करो ना बाबू, मेरे पास फीडबैक आना चाहिए, मैं कैसे बोलूंगा। सनातन धर्म को समझे और हर व्यक्ति को सनातनी होना चाहिए, अपनी आत्मा को समझे। और आज लोग बड़े डंके के साथ कहते हैं कि सनातन धर्म में खतरे हैं, और सनातन धर्म खतरे में, वही लोग खतरे में कर रहे हैं। जो आदमी सनातनी होगा, क्या भाई के साथ नफरत करेगा, पिता के साथ नफरत करेगा, पुत्र के साथ नफरत करेगा, बहू के साथ नफरत करेगा, देरान जेठान में क्या उनकी लड़ाइयां होगी। जो आदमी सनातनी होगा, क्या पाउच को अंदर मुंह में डालेगा, शराब को अंदर में डालेगा। जो आदमी सनातनी होगा, क्या अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू ये सारे चीज का सेवन करेगा। यदि आज हमारे भारत के लोग सनातनी हो जाए तो हमारे देश में जितने भी केसेस चल रहे हो, केस बंद हो जाएगा। हमारे भारत देश में कोर्ट में जितनी लंबी लाइन लगी है, कतारें खत्म हो जाएगी, आदमी शांति से जीना शुरू कर देंगे। आज भाई और भाई भाई का दुश्मन बना है, पिता और पुत्र का दुश्मन बना है, आपस में परिवार में कलह हो रहा है, आपस में मनुष्य है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, आदमी ही आदमी से डर रहा है। यदि सनातनी हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ सनातन का लेबल लगा लेते हैं हम, धार्मिक है, लंबे तिलक लगा लिए, छोटी बढ़ा लिए, पूजा पाठ कर लिए, इतने में कोई सनातनी नहीं हो जाता है। अगर सनातनी होता, आज सनातनी व्यक्ति को सीधे राह पे चलना कठिन हो गया है। जिधर देखो उधर अंडा मांस मछली शराब भट्टी यही सब लगा हुआ है। जिधर देखो उधर जीव हत्या होते चले जा रहे हैं, जिधर देखो उधर मांस कांटा जा रहा है, और सनातन का ढोंग लगाने आदमी चला हुआ है। अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदू के विपरीत चलते चले जा रहे हैं। हिंदूवादी के पास में हिंदुत्व का परिचय होना चाहिए, उनके पास दया क्षमा संतोष प्रेम होना चाहिए, और इसी बात को बुद्ध ने बहुत पहले ही कहा। बुद्ध ने इन सारे विषयों पर बहुत पहले जोर डाला, और जिस समय बुद्ध थे उस समय बुद्ध के विचारों से पूरा आम जनता प्रभावित थे, और बुद्ध के पीछे पीछे हजारों लोग चलते थे, हजारों भिक्षु बिद्धू के बुद्ध के पीछे चलते थे, और पूरा भारत बुद्धमय बन चुका था। आज हमारे भारत देश को धर्म प्रधान देश सिर्फ भगवान बुद्ध के वजह से कहते हैं। आज भगवान बुद्ध का बुद्धत्व खत्म हो गया, लोगों ने इस तरह से तहस नहस किया कि आज भगवान बुद्ध के मानने वाले नहीं रह गए, बुद्ध को किनारे करते चले गए। भगवान बुद्ध के जाने के बाद बौद्धिस्टों ने भगवान बुद्ध की ऊंची 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 मूर्तियां बनाना शुरू किया। राजाओं से महाराजाओं से पैसा लेते और ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाते और सिर्फ मूर्तियां स्थापित करते चले गए। भगवान बुद्ध की ज्ञान साधना ध्यान तपस्या वैराग्य की जो दृढ़ता थी वो खत्म होते चला गया, और सिर्फ मूर्तियां बनाते, अंडा मांस मछली का सेवन भी करना शुरू कर दिए। भगवान बुद्ध की तपस्या और त्याग और साधना खत्म होते चला गया। बौद्धिस्ट लोग, कुछ लोग आज भी मांस खाते हैं, कहां चले गए भगवान बुद्ध की बुद्धत्व। भगवान बुद्ध ने जो अलख जगाया था पूरे भारत में ही नहीं, ना जाने कितने देशों में भगवान बुद्ध का अलग जगह था। जिधर भगवान बुद्ध चलते उधर बुद्धत्व की भिक्षुओं की भीड़ होड़ मच जाती थी। आज भगवान बुद्ध की सिर्फ पुस्तकें और ज्ञान आचरण कुछ लोग हासिल कर पा रहे हैं, बाकी तो सब दुनिया को तबाह करने में लगे हैं, सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगे हैं। सब असनातनी होते चले जा रहे हैं, सनातनी है ये ही नहीं, और लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, सनातनी का लेबल लगा रहे हैं, बस जीवन में कोई आचरण नहीं हो पा रहा है। जीवन घर को नरक का द्वार बनाते चले जा रहे हैं,
घर को पूरा कहना चाहिए। महाभारत युद्ध चल रहा है हर घर में, हर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है। आज कोई आपके इसी गांव में, बेदौली ग्राम में कोई बिरला घर होगा जिस घर में कोई अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करता है, न शराब पीता है, न गुटखा खाता है, न तंबाकू खाता है, कोई बिरला घर होगा। और पर भी सनातन का लेबल लगाए ले बैठे हुए हैं, कौन से सनातन धर्म को अपना रहे हैं? श्री राम के उपासक हो गए, श्री राम का लेबल लगा लिए, बन गए सनातनी। होड़ मचा हुआ है, धर्म के नाम पर आदमी को काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती चली जा रही है, हो गए सनातनी। धर्म के नाम पर इतना अत्याचार और इतना अन्याय होता है उतना किसी नाम पर नहीं होता है। धर्म के नाम पर इतना लूटा जाता है, धर्म के नाम पर व्यास गद्दी में बैठ करके लोग इतने झूठ बोलते हैं उतना कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है, हो गए सनातनी। धर्म का पूरा नक्शा ही बदल दिया, सिर्फ धर्म के लेबल लगाते चले गए और जीवन नरक का द्वार बनता चला गया। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप धर्म को ग्रहण करिए, धर्म के अनुसार जीवन को जिए, अपने को धार्मिक बनाइए, अधर्म के रास्ते पर मत चलिए। कोई आदमी मंदिर में जाकर के पूजा कर लेता है, धार्मिक हो गया, चाहे वो अंडा खाता हो या ना खाता हो, मांस खाता हो या ना खाता हो, शराब पीता हो या ना पीता हो, सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा कर दिया, धार्मिक बन गए। ये धार्मिकता काम नहीं आने वाला है। इस ऐसे सनातन धर्म की जरूरत नहीं है जिसमें मानवता का ह्रास होता चला जाए, जिसमें मानव आदमी ही आदमी से डरता चला जाए, जिसमें हिंसा बढ़ती चले जाए। आज से कुछ वर्ष पहले सुने रास्ते पर कोई भी व्यक्ति चल सकता था, आज धर्म सनातन धर्म बढ़ता चला गया, भगवान की पूजा बढ़ती चली गई, श्री राम का जयकारा लगता चला गया, लेकिन आज आदमी इतना डरा है कि आदमी सुने रास्ते पर नहीं चल सकता, सिर्फ लेबल लगता चला गया। और ब्राह्मणवाद ने आदमी के बुद्धि को इतना कुंठित करता चला गया कि पूछिए मत। भारत एक ऐसा देश है जहां 5 लाख लोगों में 5000 लोग नए रिसर्च करते हैं। कौन सा रिसर्च? आदमी के अंदर कैसे डर भरा जाए, भय भरा जाए, कैसे भगवान की महिमा सामने लाया जाए कि लोगों का शोषण किया जा सके। 5 लाख लोगों में 5000 लोग ये काम करता है। लेकिन अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों में 5 लाख लोगों में 5000 लोग रिसर्च सेंटर पर बैठते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, नए नए खोज पैदा करते हैं कि आदमी को क्या सुविधाएं मिल सकती है, विज्ञान और क्या कर सकता है, इस पर नया चिंतन होता है, नया रिसर्च होता है। आज हमारा भारत धर्म प्रधान देश है जहां अन्याय और अत्याचार बढ़ता चला जाता है। अन्य देशों में जहां नदियों की पूजा नहीं होती, तालाबों की पूजा नहीं होती, वहां नदियों की तालाबों की स्वच्छता और सफाई किया जाता है, धर्मशालों की सफाई किया जाता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसे नदी को भगवान माना जाता है, उसी नदी में टट्टी पेशाब करते हैं, उसी नदी में कचड़े फेंकते हैं। और जिस भारत देश में गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, जिस पवित्र नदी के पानी को पी करके आदमी अमर माना जाता है, स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है, उस नदी के बात ही क्या कहना है। आपको हकीकत बताऊं, उस नदी हरिद्वार से निकलते निकलते प्रयागराज से वाराणसी होते हुए प्रयागराज आने के बाद वो नदी का पानी इतना अपवित्र हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि उस पानी को छूने लायक नहीं रह जाता है। जिस गंगा नदी के बारे में बड़ी चर्चा है, जब हरिद्वार से गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी वहां एक सिक्का फेंको दिखाई देता है, एकदम साफ सुथरा हरिद्वार में पानी दिखाई देता है। लेकिन प्रयागराज में हर साल कुंभ मेला लगता है, मांग मेला, आने वाला साल कुंभ मेला है जिसमें करीब करीब 35 करोड़ जनसंख्या आने की संभावना है, सरकार ने व्यक्त किया है। 35 करोड़ लोग आने की संभावना है, सरकार ने अपना कहना चाहिए बात रखी है, और उसके लिए अभी से तैयारियां चालू हो गई। करीब करीब 16 से 20 किलोमीटर में कुंभ मेला रहता है
और ना जाने वहां कितने लोग पाप धोने आते हैं, पाप धुलता है या पाप करता है या नहीं करता तो पता नहीं, लेकिन ना जाने कितने के जेब कट जाते हैं और कितने की वहां मृत्यु हो जाती है। जब मुख्य स्नान के दिन यदि कोई नंगा बाबा से पहले, कोई संन्यासों से पहले कोई पानी पे पैर रख दिया तो वहां उनके गर्दनें कट जाती है, वहां मुलैजा नहीं चलती है। ये हमारे भारत देश का सनातन धर्म है। क्या इसी को सनातन धर्म कहेंगे? गंगा नदी जब प्रयागराज में पहुंचे वाराणसी से कानपुर होता है, तो कानपुर होकर के निकलने के बाद कानपुर के जितने चमड़े मिल के पानी है गंगा नदी में प्रवेश करता है, और प्रयागराज में आने के बाद पूरे प्रयागराज लाखों की जनसंख्या, इतने गंदगी भरे शहर में पूरे सीवर लाइन का पानी, पूरे सीवर लाइन का पानी प्रयागराज में गंगा नदी में डाला जाता है। ये हमारे आंखों देखा हाल है। हमारे प्रयागराज में आश्रम है, आश्रम से जस्ट लगा हुआ पीछे एक सीवर लाइन है, सीवर लाइन में फिल्टर लगाया गया है जहां सिर्फ कचड़े को फिल्टर किया जाता है, पानी फिल्टर नहीं होता, सिर्फ कचड़े को छाना जाता है और पूरा सीवर लाइन का पानी गंगा नदी में जाता है। उस नदी को पवित्र नदी माना जाता है। नदी में नहाने से यदि साफ भी होता है तो नदी में नहाने से आपका तन साफ हो सकता है। आत्मीय बंधुओं, कभी गलती मत कर देना कि नदी में नहाने से मोक्ष मिल जाएगा, नदी में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी। पाप तो मन में है। नदी में पानी में सिर्फ शरीर पवित्र हो सकता है, मन को धोने के लिए साधना चाहिए, सत्संग चाहिए, शुद्धाई चाहिए, संतों का सानिध्य चाहिए, भगवान बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, कृष्ण, राम, कबीर जैसे महापुरुषों का संग चाहिए। और जब आपके जीवन में चीज नहीं होगा तो कौन सा सनातन धर्म है? आज आदमी अपने ही भाई से, आज आदमी मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा सब कुछ सही हो, बाकी दुनिया वाले कहीं भी जाए, अपना भाई दुखी देखे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं दुखी मत रहूं, मेरे पड़ोसी दिखा दुखी रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं दुखी ना रहूं। आज सनातनी लोगों का यही स्थिति है। सनातन का अर्थ ही बदल दिए, सनातन का परिभाषाएं ही बदल गए। सनातन धर्म की बड़ी होड़ मची हुई है, बड़ी होड़ मची हुई है। और आज सनातनी लोग इतना अपने भगवान में मस्त है कि जो असली भगवान है वो भगवान को भूल गए, जो असली भगवान है उस भगवान को भूल गए, भगवान कहाँ है उसको भी नहीं जान पाए। आज आदमी जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भगवान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदा भगवान आपके घर में, उस भगवान की पूजा है। कितने लोग अपने माता पिता की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के एक मूर्ति के सामने नाक रगड़ना नहीं भूलते हैं। आपकी श्रद्धा है, पूजा करिए, लेकिन ये कटु शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे क्योंकि माता पिता के सामने माता पिता को डंडा दिखाते हैं, माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजते हैं, माता पिता को अपमानित करते हैं, माता पिता को भोजन के लिए तरसाते हैं, और मूर्ति के पास जाकर के भगवान समझ करके पत्थर की मूर्ति के पास नाक रगड़ना तो ही हुआ ना। जो असली भगवान को बहिष्कृत करते हैं उस मंदिर में बैठे भगवान को पूजा की जरूरत है, उससे कहीं लाख गुना ज्यादा जरूरत है घर में बैठे भगवान की पूजा को। क्या आप उस भगवान की पूजा करते हैं? आपके घर में कभी उस भगवान की पूजा नहीं होती है, कभी उस भगवान की वंदना अर्चना नहीं करते हैं, पर भी आप सनातनी बने हैं, और सनातनी हिंदू, अपने को हिंदू, जितने हिंदू आदि है अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन आप देख लीजिए जितने भारत देश में जितने पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं हिंदू लोग चला रहे हैं पोल्ट्री फार्म, जितने जगह मांस काटे जा रहे हैं हिंदू लोग मांस काट रहे हैं, पर भी सनातनी बने हुए हैं। शराब भट्टी ठेके में बिकता है आपके बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में हिंदू लोग ही लेते हैं शराब भट्टी का ठेका, पर भी सनातनी है। माँ को माँ की दर्जा नहीं दे रहे हैं पर भी सनातनी है, पिता को पिता का दर्जा नहीं दे रहे हैं पर भी सनातनी है। हिंदू परंपरा में वेद एक महापुराणा वेद, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और वेद में सिर्फ चार देवता माने गए हैं, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अतिथि देव।
माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। क्या आपके घर में इसकी पूजा होती है? एक मूर्ति की पूजा होती है, जन्म देने में क्या उस भगवान का हाथ है? पालन पोषण करने में क्या उस भगवान का हाथ है? आपको नहाने धुलाने में, पढ़ाई लिखाई में क्या उस भगवान का हाथ है? टट्टी पेशाब आपकी सफाई करने में क्या उस भगवान की हाथ है? जिसका आप पूजा करते हैं उसकी कोई हाथ नहीं है, पर भी वो भगवान है। और जो भगवान ने जन्म दिया, जिस भगवान ने लालन पालन किया, जिस भगवान ने स्तनपान कराया, जिस भगवान ने 9 महीने कोख में रखा, जिस भगवान ने अपना सब कुछ बलिदानी दे करके, अपने जीवन का सुखमय को सुख को त्याग करके आपके लिए जिया, जिस भगवान ने अपने गीले पे सो करके आपको सूखे में सुलाया, क्या उस भगवान के लिए आपके पास दया है? क्या उस भगवान की आपके घर में पूजा होती है? पर भी आप सनातनी है। आप अपने से पूछिए, कितने लोग, अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि में बड़े लंबे कतार में, लंबे लंबे कतार में ज्योत जलाया जा रहा है, पूजा हो रही है, और माँ को वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है। कौन सा हाथ है उस माँ की, जिस माँ की पूजा कर रहे हैं आप? असली माँ तो आपके घर में है, नवदुर्गे के रूप में, जिन्होंने हर समस्याओं का समाधान किया, उस माँ, वह माँ है जिन्होंने अपने जीवन के सुख सुविधाओं को किनारे करके हम सब बच्चे के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। यदि कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए, एक माँ जाए और माँ गर्भावस्था में हो, और डॉक्टर के इलाज के पास, ट्रीटमेंट के पास जाए, और डॉक्टर कहे कि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, आपकी स्थिति बहुत गंभीर है और आपके बच्चे को भी बहुत खतरा है, गर्भ की अवस्था में हो, डॉक्टर कहे आप में से दो बच्चे, आप हो या आपके बच्चे हैं, इसमें एक ही परिणाम होगा, या तो आप बच सकते हैं या तो आपके बच्चे बचेंगे, तो माँ बोलेगी मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चे जिंदा रहे। वो माँ के लिए कितना बलिदान है आपके पास। कुछ लोग अपने माँ बाप को किनारे कर देते हैं, वो पिता है जिन्होंने रात और दिन एक कर दिया, धूप छांव नहीं देखा, वो पिता जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आपके जीवनचर्या के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, खाने के लिए, मकान के लिए, कपड़े पैसे, मकान दुकान, हर चीज के व्यवस्था के लिए वो पिता ने बलिदानी दिया, जिन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं जाना, उन सुख और सुविधाओं को लिया, आपके लिए लड़ा, आपके लिए जिया, क्या उस पिता के लिए आपके घर में, आपके परिवार में अच्छा सम्मान है? क्या उस घर में आपकी पूजा होती है? उस पिता को अपमानित किया जाता है। वो बहुत से पिता है जो अपने आंख में आंसू लेकर के किनारे बैठे रहते हैं, अपने बच्चे से प्यार और सम्मान नहीं चाहते हैं। भाइयों, जो बच्चे, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, जो माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानता, वो जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। कभी कल्पना मत करना कि मेरे जीवन में सुख और शांति मुझे मिलने वाली है, कभी नहीं मिल सकता आपको सुख और शांति। जो माँ बाप को तिरस्कृत करते हो, जो माँ बाप को अपमानित करते हो, माँ बाप बुढ़ापे में आपके संपत्ति नहीं चाहते हैं, माँ बाप बुढ़ापे में आपने बच्चे से सिर्फ प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, माँ बाप बुढ़ापे में आपकी हवेली नहीं चाहिए, आपके एसी कमरे नहीं चाहिए, आपके पैसा नहीं चाहिए, आप दुनिया के सारे ऐश्वर्य का साधन यूज करते हैं, ये सारे ऐश्वर्य के साधन माँ बाप को नहीं चाहिए, माँ बाप को बच्चे का सिर्फ प्यार चाहिए। जब जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब जब आप खेत खलिहान के लिए जाते हैं, ऑफिस ड्यूटी के लिए जाते हैं, तब तब आप चरण स्पर्श करके निकलते हैं, चरण स्पर्श करके निकलते हैं और आकर के चरण स्पर्श कर लेते हैं, माँ बाप के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाता है। जैसे कोई आदमी मरीज हो बुढ़ापे की अवस्था में और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद टॉनिक दिया जाता है, टॉनिक देने के बाद उनका चेहरा खिल उठता है कुछ दिनों बाद, वैसे ही कोई बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, माँ बाप को सम्मान करते हैं, माँ बाप को आदर और सत्कार देते हैं, तो मानो ये प्यार, ये सम्मान, ये प्यार, ये सम्मान बच्चे करते हैं, तो माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, माँ बाप के चेहरे खिल उड़ता है।
और जैसे ये प्यार करते हैं, जैसे सब पैर छूना, सिर्फ पैर छूना नहीं होता है, आत्मीय बंधो याद रखना आप सब। यहाँ बैठे लोगों में से बहुत से लोग हैं जो मूर्ति की मूर्ति का प्रणाम करना नहीं भूलते हैं, एक चित्र का प्रणाम करना नहीं भूलते हैं, लेकिन वो लोग अधिकतर भूल जाया करते हैं कि असली भगवान, असली देवी देवता मेरे माता पिता भी है, उसका भी चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। जरूर भूल जाया करते हैं, मत भूलना। उन्हीं के वजह से, उन्हीं के बदौलत से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्हीं के कृपा से आज हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। वही माँ बाप की कृपा है जिनके बदौलत आज इस स्थिति पर खड़े हुए हैं। वो माँ बाप होते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन बच्चे के पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे पढ़े, आईपीएस आईएएस अफसर बने, वो रात और दिन खून और पसीने एक कर देते हैं। क्या उस बच्चे, उस माँ बाप के लिए आपके मन में प्यार और श्रद्धा है? वही प्यार और श्रद्धा माँ बाप को बुढ़ापे में चाहिए, वही सम्मान चाहिए। जब जब आप घर से बाहर निकलते हैं, चरण स्पर्श करके निकलते हैं, तो आपका चरण स्पर्श करना सिर्फ चरण स्पर्श नहीं होता है, उसके साथ में माँ बाप की दुआएं होती है, उसके साथ साथ में माँ बाप का आशीर्वाद होता है, उसके साथ साथ में उनका स्नेह होता है। जो आप जैसे ही खेत से, खलिहान से निकलते हैं, या ऑफिस से, या ड्यूटी से, कहीं से भी निकलते हैं, तो जैसे ही निकलते हैं, यदि माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उनका प्रेम, उनका चरण स्पर्श करना, उनका प्यार आपको घर में खींच करके लाता है। और यदि प्रेम नहीं करते आप, माँ बाप को सम्मान नहीं देते आप, तो आप ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से निकलने के बाद दो चार रुपये, दो चार पैसे कमाते हो, वो पैसा लेकर के शराब भट्टी की ओर दौड़ते हो, या किसी जगह पर जहां मुर्गा मांस मछली कटता हो वहां पर आप जाते हो, लेकिन माँ बाप का प्यार रहता है तो आप सीधा घर पे आते हो। किसी ने कहा है, पापा जो दिन भर में आप दो चार पैसे कमाते हो, उसमें भी आधा से ज्यादा शराब में लुटाते हो। दो चार पैसा यदि कोई कमाता है और शराब पीता है, आत्मीय बंधु में आपसे कुछ और कहना चाहूंगा, शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, याद रखना। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते, अपनी जिंदगी को भी पी जाते हैं, और साथ साथ माँ बाप के चेहरे के मुस्कान को पी जाते हैं, साथ साथ पत्नी के, बच्चे के मुस्कान को पी जाते हैं, साथ साथ बच्चे की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है उसको भी पी जाते हैं शराब पीने वाले, उसको भी पी जाते हैं, शराब बस नहीं पीते हैं। जब जब आप शराब पी करके घर में आते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, माँ बाप की चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाती है, उदासी बढ़ जाती है, पत्नी है विदा उदास हो जाती है, आपके घर में जाते ही कमरे में घुस जाती है, आपसे वार्ता करना नहीं चाहती है। आपके बच्चे जो आईपीएस अफसर बनना चाहता था, आईएएस अफसर बनना चाहता था, रात और दिन मेहनत करता है, रात और दिन मेहनत करता है, लेकिन जब जब आप शराब पी करके जाते हो तो सोचते हैं, ऐसे शराबियों के बीच में मैं कौन सा विकास करूंगा, कौन सा उत्थान करूंगा। जो उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है, वो बच्चे सोचते हैं मैं कुछ करूं। आप जब जब शराब पी करके जाते हो, आपके बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता मिट्टी पलीद हो जाती है, उनका सपना चूर चूर हो जाता है। आप लोगों से निवेदन है, शराब मत पीना, गुटखा मत खाना। यदि आप सनातनी हो तो गुटखा आपके मुख में नहीं जाएगा, ये जहर का प्याला है, जहर को आप अंदर नहीं डालेंगे। आप सनातनी हैं तो आपका मुख पवित्र होगा, आपका मुख में सही शब्दों का उच्चारण होगा, आपके बच्चे आपके चरण स्पर्श करेंगे तो आप मुस्कुराते हुए, आपके दांतों में उजलापन होगा, आप बड़े प्यार से, स्नेह से, सम्मान के साथ अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे। और यदि आप सनातनी नहीं है तो मुख में जहर भरे रहेंगे और आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करेंगे, इसे मुंह में लाल लाल गलगला भी रहेंगे, इधर आशीर्वाद भी देते रहेंगे। कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? कुछ माताएं घुटका भरी रहती है मुख में, भर लो जितना, बनेगा पेट में एक गोला, निकलेगा जिस दिन ऑपरेशन से, तब लगेगा मुझे नहीं घुटका खाना, मुझे
मुझे गुड़ाखू नहीं खाना चाहिए था। कुछ लोग गुड़ाखू डालते हैं मुंह में। सनातनी बनिए आप लोग। सनातन का लेबल लगाने से कोई सनातनी नहीं होता है। इसलिए माता और पिता का सम्मान करना मत भूलिए। माता और पिता जब जब आप चरण, मैं फिर से कहूं उस बात को, जब जब आप चरण स्पर्श करते हैं, ऑफिस से, खेत से, ड्यूटी से, कहीं से भी आकर के पूछ लेते हैं माँ को पिता को तबीयत कैसे है, भोजन किए या नहीं किए, बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट उनसे प्रेम से वार्ता कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, आपके मम्मी आपके माता पिता के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। आज भी मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे सम्मान करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे करीब हैं, मेरा कहाँ मानते हैं और मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। भला सोचिए उस सनातनी पिता का क्या हालत होता होगा जब वो पिता सनातनी है, जिनके जीवन में कोई गलत दुर्व्यसन नहीं रहा, गलत कर्म नहीं रहा। वो पिता का पुत्र गलत चीज खान पान करता है, गलत चीजों का सेवन करता है, तो वो पिता की स्थिति क्या होती होगी, आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मैं कह रहा था वेद एक हमारा महा सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें चार देवता है, मातृदेव, पितृदेव, माता देवता है। आप उसकी पूजा करिए, उसकी वंदना करिए। लेकिन माता देवता है इसकी पूजा बहुत तो करती है, पिता तो करता, पुत्र तो करता है, लेकिन माता देवता बनने के योग्य बनिए तब पूजा होगा। हम सास बन गए तो हमारी पूजा होगी, ये कभी मत भूल, कभी भूल भूल जाना। हम सास बन गए, ससुर बन गए तो हमारी पूजा करे हमारे बहू बेटा, ये भूल जाना। आपकी कर्मा आपकी पूजा कराएगा। यदि आपका स्वभाव सुंदर है, आपकी वाणी में मिठास है, आपके मुख में जहर नहीं अमृत घुलता है, आप मधुकर प्रीकर हितकर वाणी बोलते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बेटे से प्रेम करते हैं, बहू से प्रेम करते हैं, बहू को सम्मान देते हैं, तो आपके बहू बेटे आपको सम्मान देंगे। और आप चाहेंगे कि हमारे बहू बेटे आ गए हमारा सम्मान करें, आप जैसे तैसे जीवन जिए, शराब पिए, गुटखा खाए, तंबाकू खाए, अपने ही पैसा है हम उड़ाए, चाहे कुछ भी करें, ऐसे शब्दों का यूज करेंगे, आपके ही बच्चे आपको अपमानित करेंगे, आपके ही बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके ही बच्चे आपसे नफरत करेंगे। आज आज अपना ही पुत्र दुश्मन बना हुआ है, अपने ही परिवार के लोग अप्रिय लग रहे हैं, अपने ही पराए नजर आ रहे हैं। आज पिता और पुत्र का नहीं बन रहा है, सास और बहू का नहीं बन रहा है, आज अपने ही परिवार विखंडित होता चला जा रहा है, भाई और भाई का दुश्मन बना हुआ है, देरान और जेठान एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं, सास और बहू एक दूसरे का दुश्मन बने हैं। सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो माँ और बेटी का रिश्ता तो कट गया है, सास और बहू में सांप और नेवले का टक्कर चल रहा है, कैसा जीवन जीते हैं। वो बेटी आपकी काम नहीं आएगी जो दूर चली गई है, जिन्होंने जिसको आपने 25 साल तक के सीना में लगा करके रखा था, लेकिन वो बेटी दूर चली गई और कभी आएगी आपके तबीयत खराब होने पर, आपकी विषम परिस्थिति पर कभी आएगी आपकी बेटी, लेकिन आएगी तो 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 6 दिन रहेगी, 7वें दिन बोलेगी माँ मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत काम पड़े हैं, मेरे घर में खेती का काम है, गेहूं की कटाई चल रही है, मैं छोड़ करके आई थी, मैं नहीं रुक सकती माँ। वो बेटी आपकी काम आएगी, वो बहू आपके काम आएगी, आपके मरते दम तक आपकी बहू आपके साथ रहेगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन बहू को एहसास हो जाए कि सच में असली मेरे माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक सास ससुर ही नहीं एक माँ हो जाती है, उस दिन आप एक सास ससुर नहीं एक माँ हो जाती है। एक उदाहरण बताऊं मैं, हकीकत घटना, एक नए नए घर में अपने बेटे की शादी करती है माँ, और बेटे की शादी करने के बाद में घर में बहू आती है, और बहू आने के बाद में कुछ 2-3 दिन बाद सब घर के परिवार के सारे रिश्ते नाते चले जाते हैं, उसके बाद में बहू से माँ बोलती है, सासू माँ बोलती है, बेटी ये हमारे घर के कुछ ही दूर में एक मंदिर है, तुम सुबह उठ लेना कल,
और कल उठ करके स्नान कर लेना, सुबह से तैयार हो जाना, मंदिर जाना है, पूजा की थाली ले लेना, पूजा की थाली लेकर के चलना। और सुबह होने के बाद में बहू उठती है, तैयार हो जाती है, पूजा के थाली लेकर के आगे बढ़ना शुरू करती है। माँ से पूछती है, माँ कहाँ चलना है? माँ बोलती है एक मंदिर है जहाँ माँ रहती है, उस माँ की पूजा करने के लिए जाना है, माँ की पूजा करने के लिए जाना है। बहू पीछे पीछे माँ के साथ में चलती है, एक मंदिर की ओर देखते हैं कि एक मंदिर है जिसमें माँ आगे बढ़ते हुए चले जाती है। लेकिन माँ तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन बहू सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ती है, बहू वही रुक जाती है, स्तब्ध होकर के खड़ी हो जाती है। माँ दूर से आवाज लगा रही ऊपर सीढ़ियों से और कह रही है, बेटी यही मंदिर है, तुम आ जाओ। बहू बोलती है, माँ जहां तुम खड़ी हो उसके दोनों तरफ, दायां और बायां दोनों साइड शेर है, मुझे डर लगता है, शेर से मैं नहीं आ रही हूँ, आप वहां पूजा करके आ जाइए, मुझे बहुत डर लगता है, शेर से मैं नहीं आऊंगी। माँ क्या बोलती है, बेटी ये शेर नहीं, ये तो एक मूर्ति है, पत्थर का निर्मित किया गया, पत्थर से बनाया गया काष्ठ की मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, आप इससे डरो मत, ये कुछ नहीं करने वाला है, इसमें जान नहीं है, तुम आ जाओ। इतने कहने पर, माँ के कहने पर में वो बेटी, वो बहू माँ के कहने पर सीढ़ियों से आगे बढ़ करके मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद माँ पुनः बोलती है बेटी माँ दुर्गा की पूजा करो। बहू पुनः बोलती है, माँ मुझे कोई दुर्गा दिखाई नहीं दे रही है। माँ बोलती है, बेटी जो ये मूर्ति दिख रही है यही तो माँ दुर्गा है, यही तो माँ दुर्गा है। बहू बोलती है, माँ जब बाहर बैठा शेर जिसमें जान नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये बैठी ये मूर्ति, ये पत्थर की मूर्ति ही, ये भी तो कुछ भी नहीं कर सकता, माँ तुम ही मेरे लिए दुर्गा हो, तुम ही मेरे लिए सत्य हो। उनके चरणों में लिपट जाती है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। असली देवी देवता माता पिता है। वेद के ऋषि कहते हैं, मातृ देव भय, माता की पूजा करो। लेकिन माताओं से निवेदन है, अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाना कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए, चाहे इजराइल, थाईलैंड, अमेरिका, यूएस, कहीं भी चला जाए, आपके बच्चे आपके दिव्य संस्कारों को ना भूल सके। आपके बच्चे इस दुनिया के कितने दूर चले जाए, इस देश से दूसरे देश चले जाए, हजारों कोसों दूर चला जाए, पर भी आपके दिव्य संस्कारों को पल पल याद करे आपके बच्चे। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपका खान पीना ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको सम्मान कर सके, आपका आपके पल पल याद कर सके, आपके चरणों में झुक सके। आपका व्यक्तित्व यदि थोथा है, आपका आचरण यदि थोथा है, आपके आचरण में छिछलापन है, तो आपके बच्चे आपका सम्मान कैसे करेंगे? आप घर के मुखिया है, घर के बुजुर्ग हैं, और बस मुखिया बन गए हैं, मुखिया कहला रहे हैं, लेकिन मुखियापन नहीं है, बराबर बच्चों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, बराबर बच्चों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, बराबर बच्चों से आदर और सत्कार भरे शब्दों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, गलत चीज खा पी रहे हैं, घर में शराब पी करके प्रवेश कर रहे हैं, आपके बच्चे आपसे कैसे प्रेम करेंगे? आपके बच्चे आपसे कैसे सम्मान करेंगे? आप इसको महसूस करिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सनातनी हैं तो पहले माता की पूजा करना सीख जाइए। पहली, दूसरी बात, पितृ देव, पिता देवता है, पिता की देवता करिए, पिता देवता है, पिता की पूजा करिए। पिता वही है जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान में दे दिया और रात दिन एक करके आपके लिए किया। तीसरे बात, आचार्य देवता है, जो हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमको सतपथ पर ले जाते हैं, वो आचार्य गण देवता है, उसकी पूजा करिए, उसकी अर्चना करिए। इसीलिए किसी ने कहा है,
भारत चला जात पताल में यदि संत गुरुजन नहीं होते। और यही संत गुरुजनों के वजह से भारत देश को धर्म की उपाधि मिली, यही भगवान बुद्ध के वजह से भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया। चौथा देवता है अतिथि देवता। आज मास्टर साहब के लिए इतने अतिथि देवता के रूप में आए हैं। मास्टर साहब सबके लिए बैठने की व्यवस्था किए हैं, सुंदर रूप से सभी के लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं। अतिथि देवता है, अतिथि का सम्मान करिए। अतिथि वो होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, इसलिए अतिथि देवता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में यदि सनातनी है तो सनातन धर्म का पालन करिए और कर्म कांड और पाखंड से बच करके रहिए। कर्म कांड और पाखंड, आज भारत देश में कर्म कांड और पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। धर्म के लेबल लगाते चले जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद फैलता चला जा रहा है। ब्राह्मणों ने आदमी के अंदर इतना डर भरते चले गए। हम आप घर में बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकते। रखेंगे तो ब्राह्मण तब अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। मकान आप बना सकते हैं लेकिन गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते। ब्राह्मण गृह प्रवेश करेंगे अन्यथा अशुभ हो जाएगा। आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ सकते हैं, लेकिन विवाह का रस्म आप पूरा नहीं कर सकते। करेंगे तो ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मणों ने इतना डर भरा आदमी के अंदर ये ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद पूज्य प्रिय शील गुण हीना, पूज्य है प्रिय है लेकिन शील गुण से भ्रष्ट है, पर भी योग्य है, पर भी योग्य है। ब्राह्मण है लेकिन मदिरा पी रहे हैं चलेगा, ब्राह्मण है लेकिन मांस खा रहे हैं चलेगा। मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण कुछ भी करे पर भी उनकी पूजा और अर्चना करना चाहिए। ये ब्राह्मणवाद इतना घोर नरक है और भगवान बुद्ध ने इसका करारा जवाब दिया। भगवान बुद्ध ने इसे तोड़ने का प्रयास किया। आज हमारा धर्म अन्याय और अत्याचार में डूबता चला जा रहा है। आदमी कर्मकांड और पाखंड अंधविश्वास और चमत्कार में बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे सही पैदा हो रहे हैं लेकिन बच्चे को कमजोर बनाता चला जा रहा है अंधविश्वास और चमत्कार। बच्चे पैदा सही हो रहे हैं लेकिन बच्चे पैदा ही उनको कमजोर बनाया जाता है, या तो गले में ताबीज या पैरों में धागा। पैरों में धागा बांध देने के बाद बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, गले में ताबीज पहना देने के बाद बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, लाइसेंस मिल गया। कितना कर्मकांड। आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, आपको अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं है, आपको अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। आपका 6 फुट का शरीर है, आप गुरु परंपरा से जुड़े हैं, अच्छे लोगों से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, सनातनी धर्म मानते हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा किस पर है? एक लाल अंगूठी पहन लेते हैं, एक छोटे ताबीज पहन लेते हैं, इस पर भरोसा है? आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, आपको कर्मों पर अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं है। बच्चे के पैर में काला धागा बांध देते हैं, इस पर भरोसा होता है आपको? बच्चे के पैर में, बच्चे के गले में ताबीज बांध देते हैं, इस पर भरोसा होता है आपको? आपको अपने जीवन पर भरोसा? इतना कमजोर है आप लोग, अपने आप से पूछिएगा। जो आदमी कमजोर होगा उनको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, और जो अपने आप पर भरोसा करेगा उनको ताबीज की जरूरत नहीं, काले धागे की जरूरत नहीं, अंगूठी की जरूरत नहीं, तंत्र और मंत्र की जरूरत नहीं है। एक आदमी जयपुर शहर में एक बार गए थे हम लोग, आज से 15 साल पहले, गुरुजी के साथ संत समाज के साथ हम लोग गए। सुंदर मकान का निर्माण किया गया था और मकान करीब करीब 80 लाख रुपए के लागत से मकान बनाया गया था। मकान तो सुंदर बना था, पूरा मकान चमक रहा था, ग्रेनाइट मार्बल लगा था, फाल सीलिंग लगा था, पूरी पुट्टियां लगा थी, डेकोरेशन लाइटिंग खूब किया गया था, लेकिन मकान में ऊपर सबसे ऊपर एक पुराना टायर लटका दिया गया था। एक संत ने पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि इतना अच्छा मकान तो बनाया गया है लेकिन इसमें पुराना टायर क्यों लटकाया गया है? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज साहब मकान तो अच्छा बना दिया गया है लेकिन मकान में किसी का नजर न लगे, इसलिए इस मकान में पुराना काला टायर लटकाया गया है।
संत ने कहा मकान मालिक से कह देना ये मकान में तो पुराना टायर ही लटकाए हैं, अपने गले में एक नया टायर लटका ले, उनको मौत की नजर नहीं लगने वाली है। क्यों अंधविश्वास और चमत्कार में आप जाते हैं? आप सुंदर मकान का निर्माण करते हैं, मकान के इंजीनियरिंग में उनके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं, छड़ सीमेंट सरिया मिट्टी बालू का यूज किया जाता है, और आपका बिहार का ईटा तो लोहा लाट है, उसमें कितना भी हाथ पे मुटका मारते जाओ टूटने वाला नहीं, रोडों पर बिछने वाला ये ईट है, लेकिन उसके मजबूती पर आपको भरोसा नहीं होता, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता। आप मकान में एक नींबू और मिर्चा टांग देते हैं, बनने के बाद उस पर भरोसा है। अब मकान के अंदर किसी की बीमारियां नहीं होगी, मकान के अंदर किसी की मौत नहीं होगी, मकान के अंदर कोई रोएंगे धोएंगे नहीं, मकान के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, मकान के अंदर कोई समस्याएं नहीं आएगी। क्यों आप इतना कमजोर बनते हैं? जब आदमी मकान आदमी गाड़ी लेता है तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 70 80 लाख की गाड़ियां लेता है, उन गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर उसके इंजीनियरिंग पर उनको भरोसा नहीं होता है। जब एक गाड़ी का निर्माण किया जाता है, आपने शुरू में मोटरसाइकिल लिया होगा तो मोटरसाइकिल के निर्माण में ना जाने कितने लाखों रुपया लगा होगा एक मोटरसाइकिल के निर्माण में। जब उसकी भूमिका तय किया जाता है, उसका फाउंडेशन तय किया जाता है, प्रथम गाड़ी बनाने में उसकी जो पूरी बॉडी बनाई जाती है, उसका सांचा आकार दिया जाता है, तो सांचा बनाने में प्रथम गाड़ी में न जाने कितने बार उस गाड़ी को चेक किया जाता है, कहीं गाड़ी का ब्रेक फेल ना हो जाए, कहीं गाड़ी का एयर लीक ना हो जाए, कहीं गाड़ी में कोई समस्याएं ना आ जाए, कहीं गाड़ी में दम ना तोड़ दे। आप जिस गाड़ी को लाख रुपए में लेते हैं, उस गाड़ी को बनाने में, पहली गाड़ी बनाने में ना जाने कितने करोड़ रुपया लगता है। जब आप फोर व्हीलर लेते हैं, उस गाड़ी को बनाने में न जाने कितने करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, तब कोई गाड़ी तैयार होता है, लेकिन आपको उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता। आप उस गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेते हैं, उस पर भरोसा होता है। आदमी की बुद्धि कैसी मारी गई, आदमी की बुद्धि कैसी मारी गई। आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके बच्चे सही पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को लूले और अपंग बनाते चले जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप बच्चे को सही संस्कार दीजिए, बच्चे को सही शिक्षा दीजिए, बच्चे को सनातनी बनाइए, असनातनी मत बनाइए। बच्चे जाकर के मुर्गे के दुकान पे खड़े हो, अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू चरसा इसी का सेवन करे, आज जिधर जाओ आंख मूंदना पड़ता है, नाक में पट्टी लगाना पड़ता है, आज अन्याय और अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, आज आदमी आदमी के खून के प्यासे बने हुए है, जिधर जाओ गलियों में मांस कटता चला जा रहा है, आंख खोल करके देखने की आदमी की हिम्मत नहीं हो रही है सही लोगों की, और पर भी सनातन का बोलबाला चल रहा है। इसलिए निवेदन है कि आप अपने बच्चे को सही संस्कार दीजिए। आज हर माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानता, पड़ोसी से इनसे उनसे रिश्ते वालों से कहते हैं मेरे बच्चे कहा नहीं मानते। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपने कब सिखाया है कि आपके बच्चे आपका कहा माने? आपने तो सिखाया ही नहीं है। आपने कब सिखाया है? आपने पैसा कैसे कमाना है ये सिखाया, आपने नौकरी कैसे करना ये सिखाया, आपने मकान कैसे बनाना ये सिखाया, आपने गाड़ी कैसे चलाना ये सिखाया, आपने मोबाइल कैसे चलाना ये भी सिखाया, आपने पढ़ना लिखना कैसे करना ये सब चीज सिखाए। आपने कब सिखाया है कि प्रेम से जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने कब सिखाया है कि अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए? आपने कब सिखाया है कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए? आपने कब सिखाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने तो सिखाया ही नहीं, फिर आपके बच्चे आपका कैसे कहा मान जाएंगे? आपने सिखाया ही नहीं इस विषय पर। आत्मीय बंधो, अपने बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाइए। आपके बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है, आपके बच्चे आपके बैंक बैलेंस है, आपके बच्चे आपके जीवन के संबल है। यदि आप बच्चे के अंदर सही संस्कार इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको बुढ़ापे में वही मिलेगा जो रहे करवा सो निकरे टोटी, सद्गुरु कबीर साहब के शब्दों में कहूं तो।
आप बच्चे को पैसा दे देते हैं, मकान दे देते हैं, दुकान दे देते हैं, पैसा को बच्चे को धन कमाना सिखा देते हैं, लेकिन जीवन को जीना नहीं सिखाते हैं। बच्चे को कभी अनाथालय में नहीं ले जाता है, वृद्धाश्रम में नहीं ले जाते, कभी आश्रमों में नहीं ले जाते, जहां बच्चे अनाथालय में कैसे माँ बाप के बिना तरसते हैं, वृद्धाश्रम में जहां माता पिता कैसे बच्चे के लिए तरसते हैं, वहां ले जाकर के बच्चों को नहीं दिखाते। आश्रमों में, संत आश्रमों में ले जाकर के बच्चों को दिखाइए, जहां संत जन खुद सेवा शुद्धाय और साधना के बल पर जीवन को तराशते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से प्रभावित होइए, जीवन को सुंदर बनाइए, सनातन धर्म को अपनाइए। आप किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आप सभी सनातनी हो सकते हैं। जहां दया है, जहां क्षमा है, जहां संतोष है, जहां प्रेम है, जहां भाईचारा है, यही तो सनातन है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, चाहे इस दुनिया के हो, चाहे किसी भी दुनिया के लोग हो, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसको आप मानिए, ये सनातनी है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से जीवन में प्रभावित होइए, अपने जीवन में नए दिशा दीजिए और सुंदर जीवन का निर्माण करते चले जाइए। आज हमारा जीवन तबाह होते चला जा रहा है। आज अपने परिवार में ही प्रेम के अभाव में हम एक दूसरे से प्यार वार्ताएं नहीं हो रही है, भाई को भाई पसंद नहीं है, माता पिता को माता पिता पसंद नहीं है, हम जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं। सुंदर जीवन का निर्माण करिए। भगवान बुद्ध भी अपने जीवन में कुछ घटनाओं को देखते हैं, उनके जीवन में पूरा अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। न जाने हमारे जीवन में ऐसे कितने लाख घटनाएं घटती है, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ था, जब घर से निकलता है, घर से निकलते निकलते सैर करने निकलता है, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, बूढ़े व्यक्ति जो लाठी लेकर के चल रहा है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा आकार हो गया है, सीधा नहीं चल पा रहा है, दूसरे के सहारों पर चल रहा है, कपकपाते हुए रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, सारथी से पूछते हैं, सारथी क्या है, ये क्या हो गया है? सारथी बताते हैं, भगवान बुद्ध से कहते हैं, महाराज राजकुमार, यह दशा हमारी भी होने वाली है, यह दशा हमारी भी होने वाली है, एक दिन भी हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, किसी की सहारा की जरूरत होगी, लाठी की जरूरत होगी, हमारा भी शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और हम एक दिन अस्वस्थ हो जाएंगे। एक दिन फिर सिद्धार्थ सैर करने के लिए निकलता है, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, बूढ़े व्यक्ति को देखता है, खखार रहा है, थूक रहा है, कांप रहा है, दो व्यक्ति लेकर के सहारे से चल रहा है, चल नहीं पा रहा है, चलने की संबल नहीं है, आदमी कमजोर हो चुका है, एकदम कंधे सूख चुके हैं, हड्डियां दिख रही हैं, पंक्तियां दिख रही हैं, एकदम विपिन्न होकर के जीवन को जी रहा है, मौत को बुला रहा है। वो आदमी देखता है, भगवान सिद्धार्थ देखता है, राजकुमार सारथी से पूछता है, क्या यह दिशा हमारी भी होगी? सारथी कहते हैं, हाँ भगवान, एक दिन हमारी भी यही दशा होगी। तीसरी घटना उनके जीवन को विचलित कर देता है। जब सैर करने के लिए निकला था सिद्धार्थ, राजकुमार सारथी के साथ जा रहा था, तो चार व्यक्ति कंधे पर लेकर के एक कफन ओढ़ाया हुआ लाश ले जा रहा था। सारथी से पूछते हैं, ये क्या है? सारथी कहते हैं, राजकुमार, यह एक मृत शरीर है, जैसे हम थे वैसे ये भी थे, लेकिन इनके शरीर से प्राण आत्माएं निकल गई हैं, मृत शरीर है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या हमारी भी दशा होगी? सारथी कहते हैं, हाँ राजकुमार, ये हमारी भी दशा होगी। चार लोग कंधे पे उठा करके ले जा रहे हैं, राम नाम का सत्य बोला जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग अपने सीना को ठोक रहे हैं,
कुछ लोग अपने बाल नोच रहे हैं, आंखों में आंसुएं आ रही है। यह घटना देखने के बाद भगवान बुद्ध विचलित हो उठते हैं। जब एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन रोग आएगा, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, तो इस जीवन का क्या महत्व है? इस जीवन का ऐसी सार्थकता ही क्या है? जिस चीज के लिए वो खोजना शुरू करता है, उनके चिन्ह में रातों की नींद खत्म हो जाती है और एक नए खोज के उनका मन दौड़ना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन राजकुमार फिर सैर करने के लिए निकलता है। राजकुमार निकलता है तो देखते हैं एक सन्यासी, जो सन्यासी गृह त्याग किया हुआ है, साधारण सा जीवन है, हाथ में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा जीवन जी रहा है। मन में उदासी, मन में एकदम चेहरे पे चमक है, चेहरे पर एक नए चमक दिखाई दे रहा है। वैराग्य की त्रिवेणी में वो डुबकी लगा रहा है, वो संत को देखता है, उनकी चेहरे में एक नया चमक है, एक नया ओझपन दिखाई दे रहा है, उनके अंदर से एक नया आभा मंडल प्रकाशित हो रहा है, जिसके करीब जाने मात्र से मन में एक वैराग्य की त्रिवेणी छाने शुरू हो गए। भगवान बुद्ध उन सारी घटनाओं को देखता है राजकुमार, और जीवन बदल जाता है। हम लोगों ने कितने अर्थियां उठाए पर भी हमारा जीवन वैसा है। हम लोगों ने ना जाने कितने बूढ़े को देखे पर भी हमारा जीवन वैसे है। ना जाने कितने सन्यासी और वैराग्य लोगों वैराग्यवान संतों को देखते हैं पर भी जो मन में मदिरा का शराब चढ़ा हुआ है वो सुधर नहीं रहा है। मन को बदलिए, मन को छादित करिए, मन को सुंदर बनाइए। सनातनी अंदर से होना है आपको। जिसके मन में दया का भाव है वो सनातनी है, जिसके मन में प्रेम और करुणा का भाव है सनातनी है, जिसके मन में बड़ों के लिए सम्मान और आदर का भाव है सनातनी है। और सद्गुरु कबीर साहेब इसी की चर्चा करते आए हैं जीवन भर, प्रेम दया क्षमा संतोष करुणा धीरा शील, इसी की चर्चा उसी पर जोर लगाते आए। सद्गुरु कबीर साहेब जैसा सनातनी तो और कोई हो ही नहीं सकता, जो असनातनी कहते हैं उन लोगों के लिए। भगवान बुद्ध जैसे सनातनी तो कोई हो ही नहीं सकता है, उनके सनातन के सामने सब दुनिया के लोग अनसनातन है, अनसनातनी ही है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ लेबल लगाए रहे हैं, सनातन और धर्म के नाम पर लड़ाइयां पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के मन में जहर भरा जा रहा है, ऐसे सनातन को दूर ही रहने देना चाहिए और अपने जीवन में प्रेम को स्थापना देना चाहिए। आत्मियों बंधुओं, जीवन बहुत सुंदर है। समय काफी हो चुका है, व्यवस्थापक लोग आए और संकेत करें। जीवन सुंदर है, सुंदर जीवन का निर्माण करें। माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, आप लोग यहाँ से ही लेकर के जाइए, माँ बाप का सम्मान करना सीखिए, आप सनातनी हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने लोग बैठे हैं, चाहे जैसे भी रहा हो आपका जीवन, पर आज से आप अपने बच्चों के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जीना, कम से कम गुटखा छोड़ देना, बीड़ी छोड़ देना, तंबाकू छोड़ देना। बहुत से भाई गुटखा खाते हैं या बैठे लोग, जब बोले तो समझ में आ जाता है, एक दूसरे का चेहरा, कोई दूसरे का चेहरा ताक रहे हैं, कोई उसका चेहरा ताक रहे हैं, तो समझ में आता है कि हाँ मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, तो उधर चेहरा देख रहे हैं, कोई उधर चेहरा देख रहे हैं। भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, अपने अंदर जहर मत भरिए, आप अच्छी चीजों का सेवन करिए, अच्छे चीजों को खाइए पिए और सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आज सुंदर अवसर मिला है जीवन को तराशने का और सुंदर जीवन का निर्माण करने का, इसलिए आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद जो आप मेरी बातों को शांति से सुनते रहे। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।